एक्सरसाइज नंबर सिक्स पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फोर शो दैट द पैराबोला एक्स साइन एल्फ़ा माइनस वाई कॉज एल्फ़ा का स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए ब्रैकेट में एक्स कॉज एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा हैज़ फोकस एट ए कॉज अल्फा ए साइन एल्फ़ा एंड इट्स डरेक्ट्रिक्स इज़ एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो सिंपल क्या है कि इक्वेशन उन्होंने हमें दी है हमने प्रूव करना है कि अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये गिवन है जो उन्होंने हमें दी है तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आनी चाहिए एक्स साइन एल्फ़ा माइनस वाई कॉस एल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा तो सिंपली इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और फोकस गिवन है तो वही डेफिनेशन ऑफ पैराबोला को यूज़ करेंगे कि दो पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस के और फिर हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे सोल्यूशन है हेर फोकस इक्वल टू ए काज अल्फ़ा कॉमा ए साइन एल्फ़ा डायरेक्ट्रिक्स जिसको नाम दे दिया एम का तो एम इक्वल है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन एल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू जीरो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला सच दैट कि पी एफ़ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है पी एम के डिस्टेंस के दोनों का दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो विच इम्प्लाइज पी एफ़ के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल होता है पी एम के डिस्टेंस के स्क्वायर के दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के डिस्टेंस का फार्मूला वही एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे फोकस का पहला पॉइंट जो है एक्स वन एस अल्फा वो आ जाएगा एक्स माइनस ए कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन की जगह पे फोकस का दूसरा पॉइंट आएगा जो कि क्या है ए साइन अल्फा वाई माइनस ए साइन एल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल्स टू दूसरी तरफ आएगा पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस जो कि क्या होता है ए एक प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट ऊपर का स्क्वायर अलहदा कर दिया नीचे का स्क्वायर अलहदा किया तो नीचे वाला जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास आया x cos एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा प्लस ए का स्क्वायर डिवाइड में sin 2 एल्फ़ा प्लस कॉज टू एल्फ़ा अब जब स्क्वायर ओपन किए लेफ्ट साइड पे तो सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही ओपन करना है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू ए वाई साइन एल्फ़ा इक्वल्स टू इक्वल की दूसरी साइड पे भी हम क्या करेंगे फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर तीन का जो फार्मूला होता है ना वो होता है तीनों का स्क्वायर प्लस पहले टू को पहले दो के साथ फिर टू को दू, 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 दूसरे और तीसरे के साथ फिर टू को पहले और तीसरे के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू एक्स वाई साइन एल्फ़ा कॉस अल्फा प्लस टू ए वाई साइन प्लस टू ए एक्स कॉस इसको अरेंज करने से हमारे पास आया एक्स स्क्वायेर माइनस एक्स स्क्वायर कॉ स्क्वायर एल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो बाकी बचा कॉ स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायेयर एल्फ़ा एक टू ए स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई साइन अल्फा कॉस एल्फ़ा प्लस टू एइन अल्फा प्लस टू एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस टू एइन एल्फ़ा प्लस टू एक्स कॉस एल्फ़ा हमने बस इनको अरेंज किया है अब एक्स स्क्र कॉमन आ जाएगा बाकी बचेगा का वन माइनस कॉस स्क्वायेर अल्फा प्लस वाई कॉमन आ गया बाकी बचा वन माइनस साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉ स्क्र अल्फा प्लस साइंस स्क्र अल्फा इक्वल होता है वन के तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे अब राइट right साइड पे कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे आगे बनेगा माइनस टू एक्स वाई साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए वाई साइन अल्फा प्लस फोर एक्स कॉस अल्फा यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स स्क्वायेर वन माइनस कॉ स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है साइन स्क्वायर एल्फा के तो एक्स स्क्वायेर साइन स्क्वायेर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर कॉ स्क्वायेयर अल्फा माइनस टू एक्स वाई साइन एल्फा कॉज एल्फ़ा इक्वल टू फोर ए वाई साइन एल्फ़ा प्लस फोर एक्स कॉस एल्फा ए स्क्वायर लेफ्ट साइड का और राइट right साइड का जो ए स्क्वायर है दोनों आपस में क्या हो गए थे कैंसिल इसलिए ए स्क्वायर दोनों साइड पर नहीं लिखा बाकी आप इसको मजीद लिख सकते हैं एक्स साइन एल्फा माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड पे फोर ए कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा वाई साइन एल्फा प्लस एक्स एल्फा या एक्स एल्फा प्लस वाई साइन अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त 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 तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस तो चैनल